नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिएस्टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी जेई 2019 वाले वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो फाइनल सुनवाई 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुआ और फाइनल केस रिजर्व हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट कब तक दे सकती है और साथ ही साथ बीटीएससी जेई के बिहार में न्यू वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। बीटीएससी जेई वैकेंसी के बारे में, न्यू वैकेंसी और पुराने वैकेंसी के बारे में, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बरसों से पुराने वैकेंसी क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट कब तक दे सकती है, मैक्सिमम कितना समय लग सकता है और मिनिमम कितना समय लग सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए, जो अभी हम लोग बीटीएससी एनएम 10709 का केस लड़ रहे हैं, जो कि सिंगल बेंच पटना लड़े, डबल बेंच लड़े पटना, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो सिंगल बेंच में हम लोग का केस जो रिजर्व हुआ था पटना में, तो एक सप्ताह में 22 फरवरी को हम लोग को केस रिजर्व हुआ था और 1 मार्च को सिंगल बेंच में जजमेंट मिल गई थी पटना हाई कोर्ट से, और डबल बेंच में 18 अप्रैल को हम लोग को केस रिजर्व हुआ था और 29 अप्रैल को हम लोग को फाइनल जजमेंट मिल गया था पटना हाई कोर्ट से। तो सिंगल बेंच में 7 दिन में जजमेंट मिला और डबल बेंच में 9 दिन में हम लोग को जजमेंट मिल गया था। अब बात करते हैं बीटीएससी जेई जो 2019 का केस ही अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी पिछले 1.5 सालों से, और सभी लोग परेशान हैं जो सर कब तक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो दोस्तों इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं है, टाइम का इसमें बाउंड नहीं है, जो 1 सप्ताह मिलेगा, 15 दिन में मिलेगा या 2 महीना भी लग सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट आपको क्लियर नहीं किया जब इतना दिन में हम आपको जजमेंट दे रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करती है, तो सुप्रीम कोर्ट कब तक आपको ये जजमेंट दे रही है, क्योंकि देखिए कम अगर समय लगेगा तो 1 सप्ताह ठीक है, और मैक्सिमम अगर समय लगेगा तो महीना भी लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक उदाहरण आपको बताएं, जो पटना हाईकोर्ट में हम लोग जो केस लड़े थे, हम लोग को ऐसे जजमेंट 7 दिन में और 9 दिन में हम लोग को जजमेंट 7 दिन में सिंगल बेंच में और डबल बेंच में 9 दिन में हम लोग को जजमेंट मिल गया था, और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ ही रहे हैं। तो यही आप लोग को बताना चाह रहे हैं, जो आप लोग को वेट करना, बीटीएससी जेई वाले जो भी कैंडिडेट है आपको थोड़ा सा वेट करना है, जो सुप्रीम कोर्ट कब तक फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग जो न्यू वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक बीटीएससी जेई के बिहार में आपको न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा इंतजार आप लोग 5 साल इंतजार किए, ये 6ठा साल चल रही है, तो इतना इंतजार करने के बाद आप लोग घबरा रहे हैं, 18 को केस रिजर्व ही हुआ, इसीलिए अभी आपको वेट करना है, ठीक है। कम से कम आपको 15 दिन वेट कीजिए, 15 दिन में मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपको दे देगी, इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना। जहाँ पे आप जो है 5 साल बिता दिए, वहाँ पे 15 दिन तो आपको वेट कर ही सकते हैं, 15 दिन आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, नहीं आपको परेशान होना। बार बार आप लोग को कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहा था, सर बीटीएससी जेई के बारे में कोई अपडेट दीजिए, इसलिए ये वीडियो बना के हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को, आपको मैक्सिमम 15 दिन वेट करना, उसके बाद फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे जो कब तक फाइनल जजमेंट आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन लेना नहीं है, नहीं आपको परेशान होना। अगर बहुत सारा टेंशन अगर हो रही है तो थोड़ा सा घूम फिर आइए, ठीक है, रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए या कहीं घूमने के लिए चले जाइए 10 दिन 15 दिन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही बीटीएससी जेई के बारे में न्यू वैकेंसी पुराने वैकेंसी के बारे में जो भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।